वेलकम बैक टू ई एजुकेशन। और आज हम आए हैं साइंस की न्यू चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और चलिए अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं विद द साइंस चैप्टर नंबर 11, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये मैं NCERT लाइन बाय लाइन रीड करके आपको एक एक चीज़ समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। You have learned in earlier classes that all organisms need food, water and oxygen for survival. They need to transport all these to various parts of their body. Further, animals need to transport waste to parts from where they can be removed. The function to transport substances and together form the circulatory system. In this chapter, we will learn about transport of substances in animals and plants. तो बेसिकली हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा हुआ है कि जैसे हमारा जो चैप्टर नंबर 2 था उसमें हमने पढ़ा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टेड फूड है वो अब्सॉर्ब होता है विलाय से, और फिर हमने पढ़ा है कि यही फूड जो है वो सेल के पास जाता है और सेल में रेस्पिरेशन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसके थ्रू एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का काम है, चाहे हम सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो डाइजेस्टेड फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो, ये किस तरह से होता है? तो एनिमल्स के बॉडी में तो एक पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है। और मैं इसमें आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी, अगर आप इस चैप्टर को फ्लो चार्ट्स के थ्रू करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी होगा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का फ्लो चार्ट तो आप सबने देख ही लिया होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। जो मैंने आपको सबसे फर्स्ट बताया था, ब्लड। ब्लड क्या होता है? ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। तो ब्लड क्या है? ब्लड बस एक फ्लूइड है, एक लिक्विड सब्सटेंस है जो कि हमारे ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। अभी हम ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ब्लड का काम क्या है? ब्लड का काम है इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। It carries oxygen from the lungs to the cells of the body. It also transports waste for the removal from our body. तो ब्लड के यहाँ पे हमें कितने पॉइंट्स देखने को मिले हैं? सबसे पहले हमने ये समझा कि ब्लड क्या है। ब्लड एक फ्लूइड है जो कि ब्लड वेसल में फ्लो करता है। फिर यहाँ पे हमने ब्लड के तीन फंक्शंस देखे। हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है कि जो हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम विलाय कहते हैं। उस विलाय के थ्रू वो जो फूड है वो अब्सॉर्ब हो जाता है। तो इस फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्लड का यूज़ होता है। ये ब्लड क्या करता है? इस फूड को अब्सॉर्ब करता है और इसे सेल्स के पास छोड़ देता है। फिर जो हम सांस लेते हैं तो आप सबको पता है हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। इस ऑक्सीजन को हमारे लंग्स से हमारे बॉडी बाकी के बॉडी पार्ट्स तक ले जाने का काम भी ब्लड का होता है। ब्लड का काम हमारे बॉडी से वेस्ट रिमूवल में भी होता है, हम आगे सब पढ़ेंगे। तो ये ब्लड के हमने बेसिक तीन फंक्शंस आपके NCERT में दिए हुए हैं, बाकी और भी ब्लड के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का फ्लो चार्ट है। तो हाँ, आप देख सकते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम को हमने पहले तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है ब्लड, सेकंड पार्ट है इसका ब्लड वेसल और थर्ड पार्ट है हर्ट। हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। अभी सबसे पहले हम ब्लड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो इसलिए एक बार फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं। ब्लड के अंदर होता है प्लाज्मा और प्लाज्मा के अंदर होते हैं बहुत सारे सेल्स। उसमें से तीन सेल्स हैं RBC, सेकंड है WBC और थर्ड है प्लेटलेट। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। ब्लड के अंदर जैसा मैंने आपको फ्लो चार्ट में दिखाया था, एक कंपोनेंट होता है ब्लड का जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा में बहुत सारे तरह के सेल्स होते हैं। तो मैंने आपको फ्लो चार्ट में समझाया था कि जो हमारा प्लाज्मा है उसमें थ्री टाइप्स के सेल हैं। एक है RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स।
आइए एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है हमारा RBC, जिसका फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स। अब बेसिकली इसे इसका नाम रेड ब्लड सेल है, वो इसीलिए है क्योंकि ये जो है रेड कलर का होता है। और ये रेड कलर का क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर एक रेड पिगमेंट होता है जिसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन। आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो हमारे लीव्स होते हैं वो ग्रीन कलर के इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। उसी तरह से RBC रेड कलर के इसीलिए हैं क्योंकि इसमें एक रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है कि जो भी ऑक्सीजन है, जैसे हम इनहेल करते हैं तो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं ना, तो उसी ऑक्सीजन को लंग्स के थ्रू ये हीमोग्लोबिन अपने साथ बाइंड कर लेता है और इसको सेल्स के पास ब्लड के थ्रू सप्लाई करता है। तो हीमोग्लोबिन के ही वजह से ये NCERT में भी लिखा है कि जो हमारा ब्लड है वो रेड कलर का दिखाई देता है। दूसरा टाइप है WBC, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी में जितने भी जर्म्स घुसते हैं ना, उन सबसे हमें फाइट करके बचाते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स का काम क्या है, टू फाइट अगेंस्ट द जर्म्स। यही ब्लड जो हमारा निकलता है चोट लगने के बाद, ये आपने देखा होगा कि कुछ टाइम के बाद यहाँ पे जो ब्लड है वो फ्लो करना रुक जाता है और वहाँ पे एक क्लॉट सा बन जाता है। तो पहले तो समझते हैं ये क्लॉट क्यों बनता है। ये क्लॉट इसलिए बनता है क्योंकि हमारे ब्लड में एक और तरह के सेल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के वजह से ही क्लॉट बनता है। पर क्लॉट का काम क्या है, क्यों बनता है क्लॉट? क्लॉट इसलिए बनता है ताकि हमें चोट लगी है तो हमारे बॉडी से और ज़्यादा ब्लड फ्लो ना हो। ठीक है, तो आपको समझ आ गया। यहीं पे ये फर्स्ट पार्ट था हमारा जिसमें हमने पढ़ा ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स के बारे में। तो रिवाइज करते, हमने क्या सीखा? हमने ब्लड के बारे में सीखा। सबसे पहले हमने ये सीखा कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बेसिकली एनिमल्स में चीज़ों के ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होता है। फिर हमने सीखा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो तीन तरह का होता है। पहला उसमें आता है ब्लड, दूसरा आता है ब्लड वेसल, और तीसरा आता है हमारा हार्ट। ठीक है, तो ब्लड में हमने सीखा कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट है और प्लाज्मा के अंदर बहुत टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उसमें से एक टाइप हमारा RBC है जिसके जो रेड कलर का होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और उसका काम क्या होता है, बेसिकली ऑक्सीजन को बाइंड करके हमारे बाकी बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाना। फिर दूसरा था हमारा WBC, वाइट ब्लड सेल्स, जो कि बेसिकली क्या करते हैं, जर्म से फाइट करते हैं। तीसरा प्लेटलेट्स था जो कि क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। मैं आपसे फिर से बोलूँगी, फ्लो चार्ट देखिए, काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड फ्लो चार्ट है। अभी तो आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा, पर बाद में आप रिवाइज करेंगे ना तो इतना पता नहीं चलेगा, इसलिए ध्यान से सुनिए, समझिए। बाकी वीडियो तो है ही, अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कीजिए अपनी ई लर्निंग को कंटिन्यू करने के लिए। थैंक यू।